दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा सुपर कूल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आप अपने किसी भी फोन के कैमरे को जो है कैसे जो है आईफोन कैमरा में बदल सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल होगा। वैसे देखिए कोई भी जो एंड्रॉयड होता है ना उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, तो हमने आपको जो है इस वीडियो में बताया है कि आप अपने फोन में कैसे आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज करके आप अपने फोन अपने किसी भी मोबाइल का जो है कैमरा पावरफुल बना करके उसे जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल को जो है आप पावरफुल बना पाएंगे आईफोन की तरह। तो ये जो है बिल्कुल DSLR की तरह सारे फीचर वगैरह देता है और भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि क्या इसके पावरफुल फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलेंगे वीडियो की ओर, लेकिन आप सभी को जो है वीडियो को पहले लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में आपको लिख देनी है आईफोन कैमरा फॉर मोबाइल, ठीक है, फॉर एंड्रॉयड भी आप लिख सकते हैं आईफोन कैमरा ऐप, ठीक है, आईफोन कैमरा नहीं तो आईफोन कैमरा ऐप आपको ये जो है कमेंट में लिख देनी है। ये जब आप कमेंट कर देंगे तो अभी चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। तो आपको जो है सबसे पहले ये ऐप जो है आपको चाहिए होगा, इसका लिंक मैं आप सबको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इसका जो यूज मुझे लगा ये पावरफुल फीचर, इसमें जो AI का जो फीचर दिया गया है ना वो जो है आईफोन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है और इस कारण से ही ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी काफी लाइट और ब्राइट वाली फोटो ले पाती है और वो भी बहुत सारे डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी सिंपल इंटरफेस है, कोई भी फोटो लेने के लिए बस उस पर क्लिक करके क्लिक कर दो। तो इसमें यही जो है ना ये प्रोसेसिंग जो पावर है ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ये DSLR की तरह यहाँ पे ब्लर काफी फीचर देता है, ब्लर, हार्ड ब्लर, नॉर्मल ब्लर ऐसा दे रहा है और फिर जो आपको हो जाए यहाँ पे जो फोटो आपको अच्छा लग जाए उस पर सेव कर देनी है। यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेंगे तो काफी अच्छे आपके सेल्फी वगैरह भी आ जाते हैं और उसमें रिप्लेस करने का भी ऑप्शन दे देता है। जैसे कि मैं देखिए अपना एक सेल्फी मैं लेके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो गया। ऑलराइट, अभी देखिए मैं एक अपना सेल्फी लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैंने जबकि लो लाइट में था, मैं लाइट में नहीं था उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी अच्छा फोटो आया। और फिर यहाँ पे थीम पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे स्टाइल वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं और यूनिक यूनिक फीचर वगैरह मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं, वाह, मैं थोड़ा और भी अच्छे से मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इस तरह से कैमरा किया, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये फोटो मैंने क्लिक किया, एक दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा यूनिक यहाँ पे फोटोज वगैरह आपको दिख रही है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से रहेंगे ना तो ये देख सकते हैं डे लाइट में एनिमेटेड फोटो वगैरह भी मिल रहा है। इसको सेव चाहे तो सेव कर सकते हैं, ब्लर चाहे तो ब्लर भी कर सकते हैं। तो मतलब मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आप सब जो है इसको यूज कर सकते हैं और आप अपने फोन कैमरे को जो है बिल्कुल आईफोन की तरह बना पाएंगे और DSLR की तरह। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। और कमेंट में आपको लिख देनी है आईफोन कैमरा ऐप। ठीक है, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।